सर देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव यानी कि जो एफ एंड ओ स्पेस की इनकी पोजीशंस हैं ट्रेडर्स की, उनको अब 50% कैश मार्जिन रखना होगा एफ एंड ओ स्पेस की, और ये इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल पे सेबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर ब्रोकर जो है वो दूसरे किसी क्लाइंट का मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे और जो जिसके मार्जिन शॉर्टफॉल है उसके लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके पहले ये चीज़ लागू हो गई थी क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से ब्रोकर लेवल पर इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती थी, पर अब जो है ये क्लाइंट लेवल पर मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। तो इसका एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से काफी सारे क्लाइंट्स को हो सकता है कि इनकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई नजर आई है इक्विटी डेरिवेटिव पोजीशंस में, उनको ये खासा दिक्कत आ रही है। तो कैश सेगमेंट इन इन जो एफ एंड ओ स्पेस की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50% कैश उनको रखना होगा। यस सर, क्लियर कर लेते हैं। मार्जिन तो पहले भी देते थे जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, मार्जिन अब भी देना है। हाँ, मार्जिन अब भी देना है। तो बदला क्या है सर? बदलाव में इसमें यह हुआ है कि अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है सबकी सेपरेट मार्जिन अकाउंट्स हर एक क्लाइंट की मेंटेन। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट ब्रोकर लेवल पे थी, अब क्लाइंट लेवल पर आ गई। तो अगर क्लाइंट लेवल पर आपका मार्जिन जो है वो 50% कैश में होना जरूरी है। यस, पहले अगर क्लाइंट लेवल पर स्टॉक्स में भी है तो भी चल जाता था। करेक्ट, लेकिन ब्रोकर लेवल पर जो भी मैनेज करना है वो ब्रोकर कर लेता था। तो कई बार अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं पोर्टफोलियो में, जैन साहब आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। समझो मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं मेरे पोर्टफोलियो में, मैंने जैन साहब को दे दिया, जैन साहब ये रखो और इसके सामने मुझे एफएनओ में लिमिट दे दो। जैन साहब ने दे दी। अब कैश मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है जैन साहब कर देंगे एक्सचेंज में पूरी, और उनके पास सेफ्टी सिक्योरिटी तो ही है हमारे स्टॉक पड़े। करेक्ट, अब ये बदला है कि मुझे सारे के सारे स्टॉक देने की अनुमति नहीं, 50% तो कैश देना ही पड़ेगा और 50% स्टॉक देना पड़ेगा। ये आज से बदला है जैन साहब, ये अंडरस्टैंडिंग सही है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चेंज है। देखिए, आजकल पिछले जो 3-4-5 सालों में एक बढ़िया मॉडल बन गया था लोगों का, और जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो था वो लोग अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करके अराउंड 80-90% तक, हालांकि ब्रोकर्स लोग भी जैसे हम लोग भी बोलते थे कि भाई 10-15% तो कैश मार्जिन एटलीस्ट मैनेज करो, मेंटेन करो, क्योंकि आपका जो एम टू एम मैनेजमेंट है वो उसी से ही होता है। बट ओवरऑल लोग बाग अपना एफएनओ में पुट राइटिंग करते थे या ऑप्शंस की राइटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो से ये काम होता था। बट अब इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा चेंज है ये, क्योंकि जो रिटेल ब्रोकर्स होते हैं उनके यहाँ इसी टाइप के क्लाइंट ज्यादा होते हैं। सो इट विल चेंज द होल डायनामिक्स। और देखिए, इसीलिए जो मंडे फ्राइडे को जो लास्ट में जो 2 बजे के बाद जो अचानक से फॉल आया, तो हो सकता है मार्जिन कॉल की वजह से भी, और आज भी जो नर्वसनेस है मार्केट में, हालांकि ग्लोबल क्यूज जो भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है इससे चेंज बहुत आने वाला है। और 50% अब कैश या एफडी या लिक्विड फंड, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, बाकी 50% जो आप शेयर से दे सकते हैं। सो इट विल सर्टेनली मेक अ बिग चेंज, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें उनके रिटर्न्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे